गाइज वेलकम टू डी के क्लासेस। तो इस वीडियो में मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करवाने वाला हूँ। मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लेइंग विथ नंबर थर्ड चैप्टर CBSE मैथ्स का डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर करवाने वाला हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो मैं इसकी शुरुआत डिविजिबिलिटी बाई 10 से करूँगा। अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस मतलब लास्ट डिजिट में को 0 होता है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, इसके सारे यूनिट प्लेस मतलब लास्ट डिजिट में 0 0 0, तो मतलब ये सारे नंबर जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यही था डिविजिबिलिटी बाय 10। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पर। तो डिविजिबिलिटी बाय 5, इफ़ अ नंबर हैज़ 0 और 5 इन इट्स यूनिट्स प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल, तो अगर कोई भी नंबर में लास्ट डिजिट यूनिट्स प्लेस में अगर 0 या 5 होता है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही था डिविजिबिलिटी बाय 5। जैसे एग्जांपल मैंने इधर लिखे 10, 10 किधर 0 है, 15 किधर 5 है, 30 किधर 0 है, इधर 45 में 5 है, इधर 320 में 0 है और इधर लास्ट में 5 है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पर। तो ये है डिविजिबिलिटी बाय 2। इफ़ अ नंबर हैज़ 0, 2, 4, 6, 8 इन इट्स यूनिट्स प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी नंबर के एंड डिजिट में यानी यूनिट्स प्लेस में अगर इनमें से कोई नंबर होता है 0, 2, 4, 6, 8, ऐसे भी नंबर होते हैं जैसे 22, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 6 है, इधर 8 है, इधर 0 है, ऐसे नंबर दिखते हैं तो वो पक्का 2 से डिवाइड हो जाए। तो बढ़ते अगले डिविजिबिलिटी पर। तो डिविजिबिलिटी बाय 3, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब है अगर हम लोग को कितने भी डिजिट का नंबर दिया जाए जैसे 219, ऐसे डिजिट के हम लोग सारे डिजिट को ऐड कर दे, जैसे 219 में 3 डिजिट है, मैं इन तीनों डिजिट को ऐड करके आया 12, ऐसे नंबर अगर वो नंबर जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसका अगर मल्टीपल है, जैसे अभी डिविजिबिलिटी बाय 3 में हम लोग को 3 का 12 जो है वो 3 का एक मल्टीपल है, तो ऐसे ये सिर्फ 3 और 9 में अभी अप्लाई होता है। ये अभी 219 जो हमने जब ऐड किया तो उसका आंसर है 12, 12 जो है वो 3 का एक मल्टीपल है, मतलब 3 के टेबल में आता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में तो जो है 3 वो 219 नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो यही था डिविजिबिलिटी बाय 3। तो इसके मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल और लिखे हैं। 582 को जब मैंने ऐड किया 5 + 8 + 2 तो आंसर है 15, 15 जो है 3 का मल्टीपल है, तो मतलब 582 3 से डिवाइड हो जाएगा। इधर 795 में को जब मैंने ऐड किया तो आंसर है 21, तो 21 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो वो ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले डिविजिबिलिटी पर। डिविजिबिलिटी बाय 6, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। तो हम लोग को अगर कोई भी नंबर 2, 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से भी डिवाइड पक्का होगा। जैसे 18 एक नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है, मतलब वो दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। 6 3 18 होता है, हम लोग को पता है, तो यहाँ पे ये दोनों से डिवाइड हो गया करके वो 6 से भी डिवाइड हो चुका है। तो ऐसे अगर हम लोग अगले डिविजिबिलिटी पे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4, अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर कोई भी नंबर 3 या उससे ज़्यादा डिजिट का, वो तभी होगा 4 से डिविजिबल अगर उसके जो लास्ट के दो डिजिट है अगर वो जब 4 से डिवाइड हो जाए। एग्जांपल में 13 1936 जो है वो 4 से इसके लिए डिवाइड होता है क्योंकि उसके जो लास्ट दो डिजिट है 36 वो जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। 36 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 9 36 होता है, तो हम लोग का 00 रिमाइंडर बच गया, मतलब वो डिवाइड होता है। इसके लिए जो 1936 है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 नंबर लिखा है, हम लोग इसके सारे दो दो लास्ट के दो दो डिजिट देखे तो ये सारे 4 के टेबल में आते हैं, मतलब 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सारे जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। 24 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, 16 भी 4 से डिवाइड होता है, 12 भी 4 से डिवाइड होता है, 28 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। तो ये सारे नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो बढ़ते अगले डिविजिबिलिटी पर। तो डिविजिबिलिटी बाय 8, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। तो इसका मतलब है
अगर कोई भी नंबर जो 4 या उससे ज़्यादा डिजिट का है वो तभी डिविजिबल होगा 8 से, अगर उसके लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 8 से अगर डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 73512 लिखा है, वो 8 से इसीलिए डिवाइड होता है क्योंकि उसके जो लास्ट 3 डिजिट है ना 512, वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं। एक बार मैं करके दिखा दूँ, 512 को 8 से डिवाइड, 8 8 ज़ा 64, 8 7 ज़ा 40, सॉरी 6 ज़ा 48, 3 2 4 ज़ा। तो यहाँ पे देखा आपने कि ये जो है वो डिवाइड हो चुका है 512 से 8, तो इसके लिए वो जो नंबर है 73512 वो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उसके लास्ट 3 डिजिट से 8 डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल भी दिया है, 7600 जो है वो 8 से डिवाइड होता है क्योंकि 600 जो है वो 8 से डिवाइड होता है। यहाँ पे 9768 जो है ये भी डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 768 जो है वो 8 से भी डिवाइड हो जाता है, इसके लिए वो 9768 से डिवाइड हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पर, डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 9। तो ये भी डिविजिबिलिटी बाय 3 की तरह है। अगर हम लोग को कितने भी डिजिट का नंबर दिया जाए, जैसे 3 डिजिट का 765, अगर हम इन तीनों डिजिट को ऐड कर ले और जो भी हम लोग को नंबर मिलता है अगर वो 9 का मल्टीपल हो, जैसे मैंने इसको ऐड किया तो 18, 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है, तो मतलब ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल दिया है, 9855, अगर मैंने इसके सारे डिजिट को ऐड किया तो मेरा आंसर है 27, 27 जो है वो 9 का मल्टीपल है तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 297, 2 प्लस 9 प्लस 7, ये जब मैंने किया तो इसमें मेरा आंसर है 18, 18 जो है वो 9 का एक मल्टीपल है तो 297 डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो बढ़ते हैं अगले डिविजिबिलिटी पर, तो यह है डिविजिबिलिटी बाय 11 जो है लास्ट डिविजिबिलिटी, और ये अब तक का सबसे हार्ड है। तो इसको एक बार मैं समझा दूँ, टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 11 फाइंड द डिफरेंस ऑफ द ऑड एंड इवन प्लेसेस फ्रॉम राइट, एंड इफ़ द डिफरेंस इज़ आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। तो अगर हम लोग जैसे कोई भी एक नंबर है 308, हम लोग को इसके पहले ऑड प्लेसेस को गिनना है, फिर इवन प्लेसेस को गिनना है, फिर उन दोनों को डिफरेंस करना है मतलब माइनस करना है। जैसे यहाँ पे मैं राइट से ऑड प्लेस गिनूँ तो ये होता है ऑड, कभी भी अगर राइट से चालू करें तो पहला होता है ऑड, ऑड इवन ऑड ऐसा होता है। कितना भी बड़ा नंबर, जैसे मैं इधर 9 8 7 6 5 4, तो इधर ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, तो ये इसके प्लेसेस होते हैं, तो ऐसे मेरे को इसे ऐड करना है। तो इधर ऑड प्लेसेस में 8 फिर 3 हो गया, एक एक गैप छोड़ के करना है, तो मैंने 8 प्लस 3 लिख दिया, और इवन प्लेसेस में 0 ही है तो 0, 8 प्लस 3 11 होता है, और 11 माइनस 0 होता है 11। तो अगर हम लोग को डिफरेंस 0 या वो 11 से डिवाइड वाला कोई भी नंबर मिल जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। जैसे मेरे को यहाँ पे 11 मिला, 11 जो है 11 से डिवाइड हो जाता है, उसके टेबल में आता है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 1331, मैंने 1 प्लस 3 किया और 3 प्लस 1 किया, 1 प्लस 3 और 3 प्लस 1, तो मेरा आंसर है 4 और 4, इन दोनों का आंसर। तो 4 माइनस 4 आया 0, तो 0 आ गया इधर। तो ये भी नंबर डिवाइड होता है 11 से। यहाँ पे लास्ट जो नंबर है 6 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 9, मैंने यहाँ पे ऑड प्लसेस को ऐड किया 9 प्लस 8 प्लस 6, और इवन को ऐड किया 0 प्लस 1, तो मेरा आंसर है 23 और 1। जब मैंने इन दोनों को माइनस किया यानी डिफरेंस किया तो मेरा आंसर है 22। 22 जो है वो 11 से डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है, इधर बोला है डिविजिबल बाय 11, तो ये 11 से डिविजिबल होता है, तो मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे सारे डिविजिबिलिटी का एंड हो चुका है। तो अगर मेरे वीडियो से आप लोग को कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्त लोग के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट 3.3 एक्सरसाइज के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।